हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, वृद्धा पेंशन वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। वृद्धा पेंशन की जो सेकंड क्वार्टर की लिस्ट थी वो दोस्तों अब उत्तर प्रदेश ओल्ड एज पेंशन के द्वारा, समाज कल्याण विभाग के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर दोस्तों आपकी भी पेमेंट नहीं आई है तो आप इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका नाम इस लिस्ट में है तो आपकी पेमेंट आपके खाते में रिलीज कर दी गई होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, वृद्धा पेंशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। इसके लिए अपने ब्राउज़र में टाइप करना होगा वृद्धा पेंशन, और उसके बाद हमें सर्च वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही फर्स्ट वाली वेबसाइट पर हमें क्लिक करना है, एंड उसके बाद हमारे सामने जो वृद्धा पेंशन की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होकर यहाँ पर आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने वृद्धा पेंशन की ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन होकर यहाँ पर आ चुकी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे आना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करते आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पेंशनर सूची 2023-24, इस पर हमें क्लिक करना है। और क्लिक करते ही दोस्तों हमारे सामने सबसे पहले हमारी सारी की सारी जनपद यहाँ पर ओपन होकर आ जाएंगी। तो हमें क्या करना है, अपनी जनपद को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जिस भी जनपद के हम निवासी हैं। तो जनपद को सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ब्लॉक का एक ऑप्शन ओपन होगा, और दोस्तों जैसे आप ब्लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपकी ग्राम पंचायत आ जाएंगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना विकास खंड चूज करना है। अगर हम नगर क्षेत्र के हैं तो हमें अपना टाउन एरिया यानी कि नगर निकाय चूज करना होगा। तो हम दोस्तों यहाँ पर अपना जो विकास खंड है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने विकासखंड को चूज करने के बाद जो भी जितनी भी ग्राम पंचायतें होंगी विकासखंड की, वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएंगी। तो ग्राम पंचायत में दोस्तों आपको क्या करना है, अपना जो भी ग्राम पंचायत का नाम है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप अपनी ग्राम पंचायत को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपकी ग्राम पंचायत के सारे जो नाम हैं यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले वन बाई वन सारे के सारे नाम आ जाएंगे। आपको अपनी ग्राम पंचायत के सामने जो कुल पेंशनर लिखा है वो भी आपको सेकंड क्वार्टर वाले ऑप्शन पर आना है, क्वार्टर टू जहाँ पर लिखा हुआ है उसके नीचे आपको आना है। और आने के बाद आपको जो भी नंबर से दिए गए हैं कुल पेंशनर, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर पहले नंबर पर जो कुल पेंशनर दिए गए हैं सेकेंड क्वार्टर में, उस पर हम क्लिक करते हैं। अब जैसे हम इसमें यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो पूरी ग्राम पंचायत की डिटेल है वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। जितने भी लोग यहाँ पर वृद्धा पेंशन का लाभ ले रहे हैं उनका जो डेटा है कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है। तो सबसे पहले आपको अपना जो लिस्ट में नाम है वो यहाँ से चेक करना है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि इनका जो रजिस्ट्रेशन संख्या है वो यहाँ पर दिया है, पेंशनर का नाम दिया है, पिता का नाम यहाँ पर दिया गया है, लिंग दिया है, आयु दी है, और यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी दे रखी है, मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर दे रखे हैं, पेंशनर का पता और धनराशि इनके आधार लिंक बैंक खाते में सफलतापूर्वक हस्तांतरित की गई, ऐसा कुछ यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। अगर आपका भी नाम इस लिस्ट में है तो आपका भी पेमेंट यहाँ पर रिलीज हो चुका है। आप अपना बैंक अकाउंट चेक कर लीजिए, आपका पैसा आपके खाते में क्रेडिट कर दिया गया है। अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट क्वार्टर की लिस्ट है उसको दोस्तों आपको निकालना है, और वहाँ पर दोस्तों आपको अपना नाम देखना है। अगर वहाँ पर आपका अपना नाम मिल जाता है तो उसको आपको रजिस्ट्रेशन संख्या को कॉपी करने के बाद आपको अपना स्टेटस चेक करना है। पेंशन का स्टेटस चेक करने का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है कि आपकी पेंशन में क्या प्रॉब्लम थी जिसके कारण आपकी जो पेंशन है वो नहीं आई है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए आप किस प्रकार से वृद्धा पेंशन की जो नई लिस्ट है, ऑफिशियल लिस्ट है, वो किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार की नई से नई वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।